लेकिन सबके बीच अब आपको बता देते हैं समय कितना बचा है। 8 घंटे 45 मिनट का वक्त और बचा है और 8 घंटे 45 मिनट के बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा और यही वजह है कि सभी दिग्गजों ने अपनी ताकत झोंक दी है और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की बातों से आप समझ सकते हैं कि चुनाव कितना महत्वपूर्ण है, कितनी बड़ी, कितना हाई प्रोफाइल है। और वो खुद भी कह रहे हैं कि अगर चुनाव छोटा होता तो अखिलेश यादव नहीं आते, डिंपल यादव नहीं आती। या उन्होंने ये भी कहा कि हमारे जैसे लोग अगर मैदान में हैं तो इसलिए है क्योंकि बड़ा पद मिलने के बाद जरूरी और छोटी समस्याओं को छोड़ा नहीं जाता है। बिल्कुल, और कानपुर की सीट अपने आप में बहुत अहम हो जाती है। उन्होंने जिक्र भी किया कि कोई भी चुनाव भाजपा के लिए छोटा नहीं होता। उन्होंने कहा कि भाजपा चुनाव को चुनाव की तरह देखती है और पूरी तैयारी इसीलिए करती है। जीत का दावा भी वो कर रहे हैं और इस चुनाव को बहुत अहम उन्होंने बता दिया। मेरठ का आंकड़ा आपको बता दें, मेरठ नगर निगम में 90 वार्ड है, ये आप जान लीजिए। भाजपा प्रत्याशी 88, सपा प्रत्याशी 63 और रालोद ने 25 में कैंडिडेट उतारा हुआ है और इन्हीं को लेकर लगातार माहौल वहां पर गर्म है, प्रचार भी किया जा रहा है और आज आखिरी मौका है, सीधे आपको ले चलेंगे ग्राउंड पर। बिल्कुल, और रुक करते हैं सनुज का, सनुज हमारे साथ जुड़ गए हैं मेरठ से। सनुज, जब 8 घंटे 45 मिनट का वक्त और बचा है, कितनी तेजी दिख रही प्रचार में, क्योंकि अब थोड़ा ही वक्त है जन समर्थन का फिर जनता के हवाले से। हाँ देखिए, आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और मेरठ में तमाम प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सीमा प्रधान है, समाजवादी पार्टी गठबंधन की प्रत्याशी है, सुबह ही अपने घर से निकल पड़ी थी और महिलाओं को इकट्ठा किया और उसके बाद ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर आपको नजर आ रही हैं। पूरा जो चुनाव प्रचार अभियान है वो पूरा जोर पकड़ रहा है, क्योंकि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और मतदाताओं का जितना आज ये प्रत्याशी रिझा पाएंगे उतनी ही जो तस्वीर है वो बदली हुई नजर आएगी। सीमा प्रधान जी से हम बात कर लेते हैं, सपा विधायक अतुल प्रधान की पत्नी है और पूरी जोर से, पूरे जोरों खरोश से तैयारी कर रही है। अखिलेश यादव आए थे और जिस तरीके से रोड शो में भीड़ उमड़ी उसके बाद बहुत सारी चीजें बदली हुई नजर आ रही, उन्हीं से बात कर लेते हैं। सीमा जी, देख रहे हैं कि सुबह जल्दी घर से निकल गई तमाम महिलाओं को। आज ही नहीं, हम तो रोज ही सुबह 5 बजे उठते हैं और 5:30 तक हम निकल जाते हैं और जनता से रूबरू होते हैं और जनता का जो जन सैलाब आपने कल भी देखा किस तरीके का माहौल है, जनता हमारे साथ है और जनता महानगर की जनता इस टाइम चाहती है कि महापौर बनाना चाहती है और हर जाति 36 बिरादरी का हमें साथ मिल रहा है और सबका आशीर्वाद हमारे साथ है क्योंकि सब लोग विकास चाहते हैं। जिस तरीके का आज मैं घूम रही हूँ, मैंने डोर टू डोर करा है, मेरे पैरों में भी छाले पड़े हुए हैं। मैं मेरठ महानगर की जनता से हाथ जोड़कर अपील करती हूँ कि आने वाली 11 तारीख में साइकिल का चुनाव चिन्ह होगा और 11 तारीख का दिन होगा, अपनी मजबूती से अपनी बहन को, अपनी बेटी को यहाँ से विजयी बनाने का काम हमारी महिला शक्ति, हमारे भाई, हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग सब करें क्योंकि मेरठ का विकास होना बहुत जरूरी है क्योंकि सब लोग जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सीमा प्रधान जो है वो सपा कैंडिडेट यहाँ पर लगातार जोर आजमाइश कर रही है और मेरठ वाली सीट तो अपने आप में अहम हो जाती है। पिछली बार 16 नगर निगम थे जिसमें से मेरठ और अलीगढ़ जो है वो बसपा ने जीत लिए थे और इस बार बसपा के लिए तो ये सीट है ही कि वापसी करनी है, लेकिन सपा और भाजपा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ का चुनाव है। शुक्रिया सनोज आपका पूरी जानकारी के। बिल्कुल, तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं और देखिए अब 8 घंटे 42 मिनट वक्त और बचा हुआ है और उसके बाद चुनाव प्रचार का शोर थमेगा और यही वजह है कि प्रत्याशी सुबह 5 बजे ही घरों से बाहर निकल गए थे और वो एक एक मिनट का सदुपयोग कर लेना चाहते हैं। बिल्कुल, लगातार आपको दिखाते रहेंगे ग्राउंड पर कितनी हलचल है, रणभूमि में कौन कौन कहाँ कहाँ पर प्रचार कर रहा है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।